ए सुनो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? ए सुनो 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 सुनो, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने शुरुआत से क्या किया था बच्चों, सबको गिवन समझ में आ गया? गिवन था कि एक ट्रेपीजियम गिवन है जिसकी दो नॉन पैरेलल साइड आपस में क्या है, बराबर, यहाँ तक क्लियर है? और हमको कुछ एंगल बराबर करने थे, एंगल ए एंगल सी, ये सारी चीजें बराबर करनी थी हमको, क्लियर है कि नहीं है? कैसे बराबर करा? सबसे पहले हमने यार इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करते रहते तो कहीं पे खत्म होता ये वाला, तो हमने क्या करा, एक दूसरी लाइन भी बनाई। कहां से बनाई? सी से। ये एक्सटेंड अपने आप हो रहा था, हमने पॉइंट सी से एडी के पैरेलल एक लाइन बनाई जो कि एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करती है, ई पे करती है। तो कुल मिलाकर के अब ऐसी फिगर बनेगी जिसका नाम था ए ई सी डी। मैंने सोचा यार इसको पैलोग्राम प्रूफ करते हैं क्योंकि वहीं से सारे सॉल्यूशन निकलने वाले। तो इसको पैलोग्राम कैसे प्रूफ करा हमने, बहुत सही तरीके से। सबसे पहला मेथड पैलोग्राम प्रूफ करने का, किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटर को क्या करना चाहिए, दोनों अपोजिट पेयर को पकड़ के क्या कर दो, पैरेलल कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पैरेलल थे बाय कंस्ट्रक्शन, ये पैरेलल थे क्योंकि गिवन था। समझ में आया कि नहीं आया? सिंस बोथ द पैरेलल बोथ द अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ए ई सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान रखिएगा इसके दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल थे, इस वजह से ये पैरेललोग्राम बना है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब जो होता है ना कि अपोजिट पेयर बराबर होते हैं, वो पता है कब होगा? वो पैलोग्राम बनने के बाद होगा। तो ये दोनों पैरेलल तो थे, जैसे ही पैलोग्राम बन गया अब ये बराबर भी हो गए। सबको क्लियर है कि नहीं है? यानी कि अब ये दोनों भी बराबर आ गए और एडी और ईसी भी बराबर आ गया। सबको क्लियर हो गया यहां तक का? ठीक है। ये दोनों जैसे ही बराबर आए हमने दिमाग लगाया, पता है क्या, कि यार देखो सीई जो है वो एडी के बराबर है लेकिन एडी जो है वो बीसी के बराबर है, यानी कि यही वाला दोनों के बराबर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो ये छुटकू सा ट्रायंगल बना है ना, ये एक ट्राइ का क्या बन गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। और किसी भी तरह के आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते, बताओ? ठीक है ना? तो इसकी दो साइडें बराबर थी इसलिए इसके दो एंगल भी बराबर हो गए। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? ठीक है। अच्छा, इसके दो एंगल बराबर हो गए, हमको आगे जाकर के काम आएगा। अभी हम फिलहाल क्या करें, अभी हम फिलहाल ये कर सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज है पैलोग्राम की वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, ये एंगल और ये एंगल, एंगल ई ए और एंगल ई, आपस में कैसे एंगल है बच्चों, एडजेसेंट एंगल, या फिर आप बोल सकते हो कोइंटीरियर एंगल। इनका सम किसके बराबर आता है, 180 के। तो इसका और इसका सम किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर आ गया। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल, ये भी आपस में 180 बनाएगा क्योंकि ये भी कैसे एंगल, आपस में लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी 180 बनाता है और कोइंटीरियर एंगल भी 180 बनाता है, यानी कि 180 का सम इसके ही बराबर है, 180 का सम इसके ही बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। जैसे ही इन दोनों को आपस में बराबर करा, x वाली वैल्यू से x वाली वैल्यू कट गई और एंगल A किसके बराबर आ गया, ABC के। बच्चे एक मिनट के लिए ABC को देख करके कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने एक और बात बता दी, पता है क्या, कि देखो यार ये ABC तो बाद में बना है, पहले तो ये एंगल B ही हुआ करता था ना, जब ये कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करती थी। बिना कंस्ट्रक्शन के देखो तो ये हुआ आपका एंगल ABC, यही एंगल B है। तो एक्चुअल में एंगल A जो है वो किसके बराबर है, एंगल B के, एंड देयरफॉर एंगल A किसके बराबर आ गया, B के बराबर। ये था आपका पहला प्रूफ। अच्छा, C और D कैसे बराबर हुए, देखो ऐसे करके ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना, ठीक है, ये दोनों हैं आपस में बराबर। बच्चों इसमें आपस में कैसा रिलेशन होता है इन दोनों एंगल में, एडजेसेंट एंगल, इसका सम किसके बराबर आएगा, 180। बच्चों इसका भी सम किसके बराबर आएगा, 180। दो पैरेलल लाइन है काट के जा रही है, सम 180 आएगा। तो सेम टू सेम ए प्लस डी बराबर 180, इनका सम 180 और इसका भी सम 180, तो दोनों का सम 180 के बराबर आ गया। कोई रीजन पूछो तो यहाँ पर लिख देना बच्चों, को इंटीरियर एंगल। क्या लिखोगे आप लोग, को इंटीरियर एंगल, दोनों का सम 180 आ गया। 180 बराबर ये, 180 बराबर वो, ये बराबर वो, ए प्लस डी बराबर में बी प्लस सी। बच्चों ए और बी बराबर थे, ए को ए रहने दिया, बी को भी क्या लिख दिया, ए। ए से ए कट गया कि नहीं, कौन सा बच गया, डी। कौन सा बच गया, सी। तो डी बराबर में सी, दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। तीसरा हमको करना था कि ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, दिखाई दे रहा है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है बी ए डी, इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करना था। ये रहा ए बी सी और ये रहा बी ए डी, सबको दिखाई दे रहा है। कैसे करा हमने कॉन्ग्रुएंट, तो देखो ये साइड दोनों में कॉमन थी, ए बी सी में भी ए बी आता है, बी ए डी में भी ए बी आता है। दूसरा बच्चों एंगल ए जो है ना वो ए बी डी का पार्ट है और एंगल बी जो है वो ए बी सी का पार्ट है, तो एंगल ए बराबर में एंगल बी। और तीसरा क्वेश्चन ने बोला था, देखो ये रहा पार्ट, क्वेश्चन ने बोला था ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो ए डी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए बी,
एंगल ए बराबर में एंगल बी, तो साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बची हुई साइड और एंगल बराबर हो जाएंगे। बची हुई साइड कौन सी है? बची हुई साइड है इसकी ए सी और बी डी, तो ए बी डी वाले का बी डी और ए बी सी वाले का ए सी बाई सी पी सी टी बराबर हो जाएगा और सारे के सारे प्रूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक काम करना, जो बच्चा इसका सोल्यूशन कर सकता है जरूर ट्राई करना, जो बच्चा इसका सोल्यूशन नहीं कर सकता या फिर कुछ लेवल तक पहुंच भी जाएगा ना, उसके लिए टेलीग्राम पे पूरी सोल्यूशन पड़ी हुई है इसकी, पूरी तरह से सोल्यूशन पड़ा हुआ है इसका, जा करके उसको जरूर चेकआउट करिएगा जिसको इसका सोल्यूशन देखना प्रॉपर। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर देना, क्वेश्चन नंबर 33 तक सारे सोल्यूशन पड़े मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। यहां तक क्लियर है? तो देखो यार, तुम्हारा होमवर्क अब सारा का सारा क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल बेस पर है, यानी कि अब जो बच्चा क्वेश्चन करके लाएगा बस उसी क्वेश्चन को हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां पे क्लियर है कि नहीं है? तो तुमको ट्राई करने हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 33 तक, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको ट्राई करके लाने, बताओ कर लाओगे? अच्छा ठीक है, इसमें से वो क्वेश्चन मार्क कर लीजिए जो कि पेपर में दो बार रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 32 पेपर में कम से कम 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये वाला पार्ट, ठीक है? इसको जरूर ट्राई करिएगा, इसको जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पूरा करो। सीई और सीबी और डीए के, अरे सीई और सीबी और डीए के बराबर कैसे हुआ? तो एक मिनट रुको, एक बच्चे का डाउट आ रहा है। सीई और सीबी और डीए, देख यार ये बराबर कैसे हुआ बता देता हूँ। भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक कह रहा बच्चा, यार भैया ये तीनों साइडें बराबर कैसे हुई? ध्यान सुनना, ये दोनों बराबर क्वेश्चन में दी हुई थी, ठीक है? ये दोनों देखो यार, ये पैलोग्राम बन गया ना, पैलोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ए बी ए डी किसके बराबर आ गया? सीई के, ठीक है? ध्यान समझना इसको, पैलोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है इसलिए ए डी बराबर आ गया सीई के, और ये दोनों तो आपस में बराबर पहले से ही थे, तो ए डी बराबर में बी सी, ए डी बराबर में सीई, बी सी बराबर में सीई, ऐसे बराबर हुआ है, ठीक है श्रेष्ठ? और किसी ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत हो तो जल्दी बताओ, बताइए बताइए जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, और सबको क्लियर हुआ यहां तक का? बच्चों पक्का जरूर इसको करके लाना, और संडे को ना ऑफ कैमरा बात करते हैं।